यूनिट पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर। इसके पहले हम लोग पढ़े थे हेलो अल्केन एंड हेलो एरिंस। थोड़ा सा हमें याद दिला रहा है इसमें से इसका नोमेनक्लेचर जो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल याद दिला रहे हैं। अल्कोहल और फेनॉल दोनों एक ही साथ बोल दे रहे हैं, थोड़ा याद दिला रहे आपको इसका निम मतलब अब यहाँ IUPAC समझिएगा, IUPAC नेम शॉर्ट कर दिया इतना। अब जानते हैं कि अल्किन जो है पेरेंट्स है, हरदम अल्किन को ही खोजते हैं। इसमें से ई को हटाकर ओएल जोड़ दिए थे, यही इसका नाम हो गया था अल्केनॉल। इसका नाम हो गया था अल्केनॉल। जैसे हम लोग यह लिख दिए यहां पर, यहां अल्किन मतलब यहां फॉर्मूला इसे बना देंगे, फॉर्मूला RX फॉर्मूला इसका इसे बना देंगे, फॉर्मूला RH इस तरह से। जैसे इसका नाम एक अपने मन से लिखा जाए, R का वैल्यू सबसे छोटा होता है CH3, OH लिख दे तो इसका नाम हो जाएगा हम लोगों का मिथेनॉल। यूपी वाले मिथेनॉल बोलते हैं, या कॉमन नाम इसका मिथाइल अल्कोहल होता है। 11th में पढ़ाए हुए थे, थोड़ा सा हल्का सा याद दिला रहा है, कॉमन नाम इधर है। मान लेते हैं कि ऐसे बना दिए हम लोग CH3CH2OH, तो इसको हम लोग कहेंगे इथेनॉल या इथेनॉल, या इसको इथाइल अल्कोहल कॉमन नाम कह देंगे, इथाइल अल्कोहल बोल देंगे, अल्कोहल यहां देखेंगे। इसी तरह से इसके बाद प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगर यह मान लेते हैं कि बेंजीन के रिंग में लगा दे ऐसे इस तरह से, या OH या इसी को ऐसे बना दे, आप ऐसे भी बना सकते हैं इस तरह से, तो बेंजीन में से ई को हटा कर रोयल मत जोड़ दीजिएगा, बेंजीनॉल मत कीजिएगा। इसका नाम जो है स्पेशल जो है फेनॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फेनॉल। यह तो हम लोग का अल्कोहल का नाम लिखना हो गया। आपको एक और याद दिला रहा है यहां पर, इसको एक मान लीजिए। एक और भी इसमें याद दिला रहा है कि अगर दो OH आ जाए या दो कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसमें ई को नहीं हटाते हैं, बाकी सब नियमों को पालन करते हैं हर नोमेनक्लेचर में। जैसे हम एक कंपाउंड लिख दिए CH2OH ऐसे इस तरह से लिख दिए, तो इसके पेरेंट्स का नाम क्या है? एक दो। इसका पेरेंट्स का नाम इथेन हो गया, दो कार्बन वाला का, तो इसको लिख देंगे इथेन। अब की बार हम लोग ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ई को नहीं हटाएंगे, 1,2-diol लिख देंगे। 1,2 इसलिए लिखे कि इसका नंबरिंग किए तो हम लोगों का हो गया 1,2। इसी तरह से हम ऐसे लिख दिए CH2 इस तरह से हमने बना दिया। एक कार्बन पर कभी दो OH मत लिखिएगा, बता दे रहे हैं, वो बताएंगे क्यों बाद में बताएंगे। यहाँ पर इसमें 1,2,3,4 ये इसके पेरेंट्स का नाम हो जाता है ब्यूटेन। अब की बार ई नहीं हटाएंगे, जब दो फंक्शनों को पेप जैसा आता है तो ई को नहीं हटाते हैं। थोड़ा सा याद दिलाकर चल रहे हैं, 1,4 पर 1 और 4 पर आया हम लोगों का यह 1,4-diol लिख देंगे। इसी तरह से 3 को आएगा OH तो उसके लिए क्या लिख देंगे? ट्रायोल। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे हमने लिखा CH2OH लिख दिए इस तरह से, CH2OH ऐसे इस तरह से, तो इसका नाम लिख देंगे 1,2,3। पेरेंट्स का नाम प्रोपेन हो जाता है, प्रोपेन। ई नहीं हटाएंगे इसलिए कि दो फंक्शन को पेक ही जैसा आता है 1,2,3, तो ई नहीं हटाते हैं। 3 को आया तो ट्राई लिख देंगे, ओल लिख देंगे इसका नाम 1,2,3-diol। नाम थोड़ा सा लिखने के लिए अल्कोहल का मोटा मोटी बताया है जो हम लोग 11th में पढ़े थे,
इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं। अब हम जो है 12 में चल रहे हैं, लिख लीजिए तब हम 12 में चल रहे हैं। क्वेश्चन के रूप में सब पढ़ाते हैं पूरा किताब, ऐसे हमने लिख दिया डिफाइन डिफाइन अल्कोहल एंड फेनॉल इस तरह से। इस तरह से हमने पहले अल्कोहल लिख लिया, अल्कोहल छोड़ दीजिए इसको, पहले समझ ले सब लोग। यह हम लोग का अल्केन है या कोई भी हाइड्रोकार्बन ऐसे है, अल्केन है लिख लिए अल्केन। इसमें से किसी तरह से हम H को हटा दें और OH जोड़ दें, यहां पर माइनस H कर दे और OH जोड़ दे, तो यह जो मटेरियल प्राप्त हुआ OH, इसी का नाम क्या है हम लोगों का, अल्कोहल है। अल्कोहल यानी हम लोग कह दे कि द प्रोडक्ट ऑप्टेन बाई क्या चीज, रिमूवल ऑफ H बाई OH फ्रॉम अल्केन, अल्केन या एनी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से इसका रिमूवल कर दिया जाए और OH को लगा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो जो प्राप्त होगा हम लोगों का मटेरियल उसी का नाम क्या है, अल्कोहल। ऐसे कर दिया जाए, शॉर्ट में बना दिया जाए, ये अभी कोई पूछने ना जा रहा है। द प्रोडक्ट ऑप्टेन बाई ऑप्टेन बाई रिमूवल ऑफ एच, एच माने हाइड्रोजन, एच एटम फ्रॉम एन एलिफैटिक माने सीधा चेन वाला कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अल्कोहल। यानी हाइड्रोजन हटा दिया जाए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अल्केन है मान लीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए अगर आपको डाउट हो तो, अल्केन लिख दीजिए अभी, इसी को हम लोग कहते हैं अल्कोहल। इसका जनरल फॉर्मूला लिख देंगे, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज आर OH, ऐसे बना देंगे। अब इसका एग्जाम्पल लिया हम, यह दे दिया, इसका एग्जाम्पल एक दो लिख दीजिए, जैसे CH4 है, CH4 में से किसी तरह से H हटाने, OH इसमें से जोड़ दें, या मीथेन है, मीथेन, तो यह जो चीज बना यहाँ CH3OH, यह हम लोगों का हो गया क्या चीज, मिथेनॉल। मिथेनॉल भी वो लोग बोलते हैं, स्पेलिंग देख लेंगे, या मिथाइल एल्कोहल कॉमन नाम हो गया, मिथाइल एल्कोहल। यहाँ देखेंगे, मान लेते हैं कि हमने ऐसे लिखा C2H5, चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए CH3 इथेन है, इसमें से एच हटा दिया जाए इस तरह से और OH जोड़ दिया जाए, तो यह हम लोगों का हो गया CH3CH2OH। इसका नाम हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इथेनॉल, कॉमन नाम इथाइल एल्कोहल हो जाता है। अब टेंथ में इसे बहुत बताए थे, 11 में भी बताए थे, इसके बाद प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल कहेंगे, ब्यूटेनॉल कहेंगे, पेंटेनॉल कहेंगे। तो इसको लिख रहे हैं तब हम